हम, से चले हम, बादल सा, हम, सावन सा, पर से हम, सूरत सा हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम हाई क्लास सिक्स के बच्चों हम पढ़ेंगे आज पार्ट ई से क्वेश्चन नंबर वन हाउ डू द पैरल ऑफ़ लैटीच्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लोकेटिंग ए प्लेस ऑन द गुब जो पैरल होते हैं लांगीच्यूड एंड मेरिडियन होते हैं लेटीट्यूड के वो हमें कैसे मदद करते हैं ग्लूब पर किसी जगह को ढूंढने में लोकेट करने में ठीक है तो इसका आंसर है पैरल ऑफ लेटीच्यूड आर बाउंड्रीज़ लाइन ये क्या होते है? होती है बाउंड्री लाइन होती हैं दे आर इमेजनरी लाइंस वो इमेजिनरी होते हैं ख्याली लाइंस होते हैं ड्रॉन अराउंड आर्थ पूरे आर्थ के मतलब ज़मीन के अराउंड गिर्द मतलब खींची जाती हैं दीज लाइंस रन फ्राम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ये ईस्ट से वेस्ट चलती हैं मतलब कहाँ से मशरक से मगरब की तरफ होती हैं एंड ईच लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर और हर एक लाइन एक दूसरे के बराबर होती है दे आर यूज टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ईस्ट वेस्ट ये मतलब ईस्ट वेस्ट की मतलब जो पोजीशन है Uh, उसको मतलब फाइंड करने में हमें हेल्प करती है एंड फॉर्म ए ग्रिड ऑन अर्थ सरफेस विच इज़ फाउंड बाई द लांगीच्यूड और एक ग्रिड बनाती है ठीक है जो कि इससे बनता है लांगीच्यूड से बनता है मैरिडियंस ऑफ लॉन्गी आर एन इमेजनरी सेमी सर्कल लांगीचूट जो होते हैं वो भी इमेजिनरी ही ख्याली सेमी सर्कल होते हैं आधे सर्कल्स होते हैं विच रन इन नार्थ साउथ जो नार्थ और साउथ की जनूब शुमाल की तरफ खींचे जाते हैं बनाए जाते हैं ठीक है इमेजिनरी लाइंस होती हैं एंड हेल्प्स इन लोकेटिंग पोजीशन ऑफ नार्थ साउथ राम ए ग्रिड ठीक है तो ये भी हमें हेल्प करती है नॉर्थ साउथ की मतलब जो डायरेक्शन है उसमें जो लोकेट करना है जो हमने देखना है तो उसे हमें हेल्प मिलती है ठीक है ये जो दोनों लाइनें होती हैं जैसे नॉर्थ साउथ चलती है और ईस्ट वेस्ट एक दूसरे को जो काटती है वहाँ एक ग्रिड बनता है उस ग्रिड से ही हमें हेल्प मिलती है किसी जगह को लोकेट करने के लिए तो इसको आपने तैयार करना है होमवर्क भी करना है बेस्ट ऑफ़ लक